हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। और अब बंगाल में स्टार वॉर की बात कर लेते हैं। बंगाल की चुनावी जंग में फिल्मी स्टार्स के भी बीच घमासान छिड़ा हुआ है। टीएमसी और बीजेपी में तो फिल्मी सितारों की रेस लग गई है। एक्ट्रेस श्रवंती चटर्जी बीजेपी में शामिल हुई तो एक्ट्रेस सांतिका बैनर्जी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। तो दो तस्वीरें स्टार वॉर पश्चिम बंगाल में चुनावों में साफ देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में फिल्मी सितारों का आना जारी है। ताजा नाम है सांतिका बनर्जी का। सांतिका ने टीएमसी का दामन थामा है। मैं दीदी के साथ थी पहले भी, आज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैंने साथ दिया है। दीदी के साथ रहने के लिए मैं ऑफिशियली अपना नाम तृणमूल कांग्रेस में मेरा लिखा जाएगा। सांतिका फिल्मी सितारों की उस लंबी फेरिस्त का ताजा हिस्सा हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के गर्मा गर्म चुनावी संग्राम का हिस्सा बनना स्वीकार किया है। नोटोबार नॉट आउट फिल्म से चर्चित सायोनी घोष भी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुई हैं। महीने भर पहले बांग्ला एक्ट्रेस सायोनी तब सुर्खियों में आई थी जब मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। तथागत रॉय ने एक मीम साझा करने पर सायोनी पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया था। टीएमसी से जुड़ने वालों में कौशानी मुखर्जी भी शामिल है। कौशानी सोशल मीडिया में काफी सक्रिय है और इंस्टाग्राम पर उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन बीजेपी की झोली भी खाली नहीं है, वहां भी सितारों की कमी नहीं है। लव स्टोरी, वक्त, लेडीज स्पेशल जैसी कई हिट फिल्में देने वाली पायल सरकार ने बीजेपी का कमल थामा है। फेसबुक पर पायल के 30 लाख फॉलोअर्स हैं। तो इसमें ग्रुपिज्म का कोई सवाल है नहीं, ये मेरा अपना चॉइस है। ये मैं करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा, अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ और अगर मुझे लोगों का सपोर्ट मिले, लोगों का और आशीर्वाद और प्यार मिले। टॉलीवुड एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी भी बीजेपी का दामन थाम चुकी है। बाल कलाकार के रूप में फिल्मी करियर शुरू करने वाली श्रावंती के भी सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। মানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে যে আমাকে যোগ্য মনে করেছেন তাদের পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। लेकिन बंगाली फिल्मों से जो लोग बीजेपी में आए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम यशदास गुप्ता का है। यश बंगाल के घर घर का जाना पहचाना और बसेरा जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के करीबियों में वो रहे हैं, ऐसे में उनका बीजेपी में आना चर्चा का विषय रहा है। ना वो मुझे कहेंगी ना मैं उन्हें कहूँगा। हर बात पे हमें सेम पेज में होने की ज़रूरत नहीं है, अलग विचारधाराएं हो ही सकती है और उस चीज़ की इज्जत मैं करता हूँ। साफ है बंगाल की सियासत में स्टार वॉर जारी है। बीजेपी हो या टीएमसी, सितारों की कमी नहीं। आज तक ब्यूरो। तो चाहे बीजेपी हो या पर टीएमसी, अब स्टार वॉर साफ नजर आ रही है। जहां पर सियासतदान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वहीं अब सितारे भी एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। कोई बीजेपी का साथ दे रहा है, कोई टीएमसी का साथ दे रहा है और दोनों ही तरफ से अब बयानबाजियों का दौर लगातार जारी। कोई ये कह रहा है कि पहले से वो दीदी की समर्थक थी और कोई ये कह रहा है कि अब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। तो दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्टार वॉर भी देखने को मिलेगी बंगाल के चुनावों में। टीएमसी और बीजेपी दोनों में लगातार सितारों का आना जारी है और ऐसे में हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, पार्टी ज्वाइन करने के पीछे अपनी अपनी सोच बता रहा है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्या होगी चुनावी रणनीति? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे पर दाव लगाएगी? बंगाल चुनाव पर आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से खास बात की। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी, आप पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं, चुनाव शुरू हो चुके हैं लेकिन उससे पहले ही इतने बयानबाजी हो चुकी हैं कि लोग सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो अभी तक नहीं हुआ था वो वैसा हो गया है। ये जुबानी जंग ज्यादा हो गई सियासत से ज्यादा? देखिए, चुनाव जब होता है तो अलग अलग पार्टी अलग अलग प्रकार की बातें होती रहती है।
एक बात जरूर है कि हर चुनाव में ही होता है, केवल ये चुनाव में हो रहा है ऐसी बात नहीं है। और अब चुनाव में हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चर्चाएं तो होगी। आपकी पार्टी कह रही है कि हम 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, 298 में से। देखिए, 3 MLA से 200 पार कर जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये निश्चित है कि बंगाल की जनता ने लेफ्ट पार्टी की सरकार का भी अनुभव किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का भी अनुभव किया है। दोनों को बदलकर उन्होंने ममता जी को मौका दिया है, अब ममता जी की भी सरकार उन्होंने देखी है। अब लोग बदलाव के भूमिका में हैं और निश्चित रूप से ये बदलाव अगर होगा तो बीजेपी यही विकल्प है, और इसलिए निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हमें मेजोरिटी मिलेगी। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी को संस्कार नहीं मालूम, बंगाल के परंपराएं नहीं मालूम, संस्कृति नहीं मालूम है, ये बाहरी लोग हैं, ये बंगाल में आ रहे हैं बाहर से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ के संस्थापक थे वही तो बंगाल के थे। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल में आए और जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, तो बंगाली संस्कृति इतिहास उन्होंने हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि ये दंगाई हैं, अमित शाह दंगाई हैं, ये लोग दंगा करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, ये सब बातें जो है वो गलत है। हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने केंद्र में जो कुछ काम किया है, जो 50-60 साल में नहीं हुआ, वो काम करके दिखाया है। और हम बंगाल का विकास करना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, और इस बार बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में विकास काम देश में हुए हैं, उसके आधार पर बंगाल को भी विकास का डबल इंजन लग जाए, इसके लिए जनता हमें साथ दे रही है। हम जीतेंगे और बंगाल की तस्वीर, बंगाल का विकास करके दिखाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि आप जीतेंगे कैसे, आपकी तो वहाँ जमीन ही नहीं है, जो आपके नेता हैं वहाँ पे वो सब दूसरी पार्टी से हायर हैं, आप वहाँ पे जो है उधार के लोगों पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जब ममता जी ने की तो वो नेता कहाँ से आए थे? तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से निकली है, ममता जी भी निकली थी। लोकतंत्र में ध्रुवीकरण होते रहता है, लोग पक्षी पार्टियां बदलते रहते हैं, और इसलिए आने वाले समय में ममता जी के बारे में मोहभंग हुआ है, और इसलिए लोग अब बीजेपी का आधार ढूंढ रहे हैं। गलत क्या है? लेकिन वो ये कह रही हैं कि उनके और उनके भतीजे पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके भतीजे की पत्नी पे गलत आरोप लगा रहे हैं, CBI, ED को, इनकम टैक्स को पॉलिटिकल टूल की तरह बीजेपी और केंद्र सरकार यूज़ कर रही है। देखिए, बीजेपी CBI, ED किसी का उपयोग नहीं करती, ये आरोप पूरी तरह से गलत है। और एक बात जरूर है कि बीजेपी का जनसमर्थन बढ़ने के कारण ममता जी काफ़ी अस्वस्थ हुई है, और अस्वस्थता के कारण इस प्रकार के बयान कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक सवाल है, बीजेपी की बारात निकल रही है, क्योंकि बारात है, आप इस तरीके के जुमले वनलाइनर बड़ा यूज़ करते हैं। अभी तक बीजेपी ने डिसाइड नहीं किया कि बारात में दूल्हा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अभी ममता बनर्जी वहाँ है, आपके पास में कोई चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री तो वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह नहीं बनेंगे, JP Nadda नहीं बन रहे वाले, नितिन गडकरी नहीं बनेंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जनता वो कह रही है कि बता दें कौन है वहाँ। हमारे पास दूल्हे ही दूल्हे हैं, जिस दिन शादी का मुहूर्त होगा चुनाव के बाद, उस दिन उस दूल्हे को हम खड़ा कर देंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑलरेडी बताया गया है कि बंगाल का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। कौन होगा? दिलीप घोष होंगे, मुकुल रॉय होंगे, या जो है इसका निर्णय उचित समय पे पार्टी, स्वपन दास गुप्ता, पार्टी अपना डिक्लेरेशन करेगी। लेकिन इतना तय है कि आप 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं? हम पूरी मेजोरिटी से चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, एक सवाल है, उड़ीसा में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव 7 में हुए थे, बीजेपी ने वहां 0 से 8 सीटें जीती लोकसभा की, लेकिन जब विधानसभा में एक ही साथ पोल हुआ तो बीजेपी को वो नंबर्स नहीं मिले जो लोकसभा में मिले। तो क्योंकि स्टेट का इश्यूज डिफरेंट है, तो ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में 18 सीटें बीजेपी ने वहां पे जीत ली थी, इस बार विधानसभा चुनाव है और विधानसभा में वो हो जो दिल्ली में हुआ था, 7 लोकसभा जीते और 8 विधानसभा सीटें जीत गए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बंगाल में जो सरकार है उसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी है, वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं,
और विकल्प के रूप में बीजेपी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसलिए जनता हमें चुनकर देगी। जैसे लोकसभा में हमको शानदार जीत मिली थी, उससे भी अच्छी जीत मिलेगी। दिल्ली सरकार के दोनों मुखिया ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के LNGP अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 52 साल के हैं, लेकिन वो पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से डायबिटीज के मरीज हैं, और केजरीवाल के साथ उनके माता पिता को भी कोरोना का टीका लगा है। और दूसरी तस्वीर भी देखिए उपराज्यपाल की, वो भी इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे, कोरोना वैक्सीन उन्होंने भी लगवाई है। दो तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको कोरोना का वैक्सीन लग रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 45 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज है इसलिए उन्हें ये इंजेक्शन लगवाना पड़ा है। पहले मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने LNGP में वैक्सीन लगवाया है, और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना से छुटकारा देने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं, जो जो लोग एलिजिबल हैं वो सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। यहाँ LNGP में भी बहुत अच्छी सुविधा है, सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो सब शंकाएं खत्म हो चुकी हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगी कोरोना वैक्सीन को लेकर LNGP के डायरेक्टर ने आज तक से बात की। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने बजे केजरीवाल साहब आए और क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ और उसके बाद वैक्सीन हुआ? हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकनायक को चुना। लोकनायक में आपने जैसे पहले बताया कि 11,000 से ज्यादा ठीक हुए, और वैक्सीनेशन का भी ये सबसे बड़ा साइट है दिल्ली में। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह आए थे 10:15 बजे, उनका आधार कार्ड और उनके पेरेंट्स भी साथ थे, वो सब वेरिफिकेशन के बाद उनको वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन देने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन में समय व्यतीत किया और सेल्फी भी खिंचवाई। ये हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टेप है। सेल्फी किसके साथ? हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ उन्होंने सेल्फी भी ली, और सारे लोग बहुत खुश थे, अत्यंत हर्ष का विषय था, और सब लोग। सुरेश सर, एक खास बात यह है कि जब गणमान्य लोग टीका लेते हैं तो उसके मैसेज बहुत तगड़े होते हैं। जी। तो लोगों में काफी कई लोग तो सामने भी नहीं आ रहे, जैसे पहले टीकाकरण हुआ तो हेल्थ केयर्स में भी देखा गया कि कंफ्यूजन है, कुछ शंका है। आप क्या कहेंगे कि वैक्सीन क्या एक हथियार है जो लड़ेगा कोरोना से? निश्चित रूप से जो वैक्सीन है जो भारत में बना हुआ है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, जो कि वर्ल्ड क्लास वैक्सीन भारत में तैयार हुई, और उसकी जो सेफ्टी और एफिकेसी है वो किसी भी वैक्सीन से कम नहीं है। वर्ल्ड की जितनी भी वैक्सीन कंपनियां जो बना रही हैं उनसे अच्छे रिजल्ट्स इंडियन वैक्सीन के आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वैक्सीन लिया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद लिया है, तो इससे सारा एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और सेफ्टी और एफिकेसी पे जो लोग पहले क्वेश्चन उठा रहे थे वो अब शंकाएं सब। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।